हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए साइंस के 60 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक है तो कौन है? अरस्तु है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था तो किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेविड नेस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम समझा था तो जीवों में जो विकास होता है उसे सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक है कौन है? तो हिप्पोक्रेटस है। कौन है? हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान का जनक है तो कौन है? थियोफ्रास्टस है। थियोफ्रास्टस जो है वो वनस्पति विज्ञान के जनक है। ऐसे ही रसायन विज्ञान के जनक है कौन है? लेवोजियर। कौन है? लेवोजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है तो विज्ञान के वह शाखा जिसमें हम मानव के विकास इतिहास और परंपराओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था किसने किया था? तो ग्राहम ने किया था। जो गैसों के विसरण का नियम है उसका प्रतिपादन ग्राहम नाम के वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट है, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? तो जो ग्रह गति करते हैं उस नियम को जॉन्स केपलर ने दिया था। किसने दिया था? जॉन्स केपलर ने, यानी कि ग्रहों की गति के बारे में सबसे पहले केपलर ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर का समीकरण दिया था किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट है, जड़त्व के नियम की खोज की किसने की? गैलीलियो ने की। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था किसने किया? न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट है, प्रकृति वरण सिद्धांत के प्रतिपादक है तो कौन है? डार्विन है। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया किसने दिया? ये डार्विन ने दिया। प्रकृति वरण को ही नेचुरल सिलेक्शन का प्रिंसिपल कहते हैं हम, और ये किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है तो विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। अनुवांशिकी के जनक है, अनुवांशिकी यानी जेनेटिक के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था यानी किस पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधे का चयन किया था। इन्होंने अनुवांशिक के जितने भी प्रयोग किए वो मटर के पौधे पर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था यानी जेनेटिक की स्टडी करने वाला जो विज्ञान है उसे सर्वप्रथम जेनेटिक्स किसने कहा था? तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। किसने कहा? डब्ल्यू वाटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है यानी अनुवांशिकी में उत्परिवर्तन जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो वो क्रोमोसोम में होता है यानी क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किया था यानी सर्वप्रथम जिन शब्द किसने दिया था? तो जोहानसन ने दिया था। किसने दिया? जोहानसन ने। नेक्स्ट है, जिन अवस्थित होते हैं, जो जिन हैं वो कहाँ पर अवस्थित होते हैं? तो वह गुणसूत्रों पर अवस्थित होते हैं। गुणसूत्रों को ही हम क्रोमोसोम भी बोलते हैं यानी जो जीन है वो क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया? बीडल और टेटम ने दिया था। नेक्स्ट है,
खून का रंग लाल है, क्यों है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए खून का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन यौगिक है, हीमोग्लोबिन क्या है? एक टाइप का प्रोटीन है। नेक्स्ट है, खून का थक्का नहीं जमता है, खून का जो थक्का है वो किस बीमारी में नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया नाम का जो रोग होता है उसमें हमें हमारी बॉडी में खून का थक्का नहीं जमता है जब हमें चोट लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, कौन रोकता है? हेपेरिन नामक प्रोटीन। नेक्स्ट है, हेपेरिन नामक जो प्रोटीन है उसका उत्पादन होता है, कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, कहाँ होता है? यकृत के द्वारा। नेक्स्ट है, रक्त का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्का बनने में सहायक है तो प्लेटलेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, कहाँ होती है? प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है, कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर का तरल भाग होता है, क्या होता है? प्लाज्मा होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 60% भाग रक्त का प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है तो क्या है? प्लाज्मा। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, कौन सी है? लोहा। ब्लड बैंक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। आरबीसी का कब्रगाह है, आरबीसी का जो कब्रगाह या शमशान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है, और ब्लड बैंक भी प्लीहा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितने डिग्री टेम्परेचर पर? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं रक्त समूह, कौन कौन से? ए बी, ए बी और ओ। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज की थी तो किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वदाता रक्त समूह है यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त समूह है? तो ओ है। नेक्स्ट है, सर्वग्राही रक्त समूह है, कौन सा है? तो ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर संबंधित है किससे? रक्त से। नेक्स्ट है, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता है कौन है? लैंडस्टीनर और वीनर है। नेक्स्ट है, रक्तचाप नियंत्रित होता है तो किससे होता है? एड्रिनल ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करता है, कौन करता है? किडनी। नेक्स्ट है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, क्या है? तो डायलिसिस है। नेक्स्ट है, मूत्र का निर्माण होता है, कहाँ होता है? वृक्क यानी किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क यानी किडनी का भार होता है, कितना होता है? 150 ग्राम। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी होती है, क्या होती है? ये कैल्शियम ऑक्सलेट होती है। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान होता है, कितना होता है? 7.4 होता है और यह क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र है, क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर, क्या बोलते हैं इसे? स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। सबसे पहले रक्त के परिसंचरण के बारे में विलियम हार्वे ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनियाँ कहलाती है, क्या कहलाती है? सिरा कहलाती है। नेक्स्ट है, हृदय से शरीर की ओर, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनियाँ कहलाती है, क्या कहलाती है ये? तो धमनी कहते हैं इन्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है किसके द्वारा? तो पेसमेकर से। नेक्स्ट है, जरावक सेवन है, जरावक सेवन क्या है? तो यह एक कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा, रक्त के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना नहीं भूलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।